पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए आप लोग एक डेट शीट देख पा रहे होंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर की, जिसमें लास्ट साफ साफ दिख रहा है 4, 7, 8, 11 और 13 जुलाई को एग्जाम 10 से 1 बजे तक। तो पहली बात तो ये जो डेट शीट आप देख पा रहे हैं ये आप लोगों की नहीं है, ये है कैंपस स्टूडेंट्स की, जो लोग कैंपस यानी कि जो जिनका बीएड यूनिवर्सिटी से हो रहा है उनकी है। क्या मैम इन लोगों की 10 से 1 टाइमिंग है, तो 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 यानी मैम 3 घंटे, 3 घंटे का मतलब ये तो मैम इनके एग्ज़ाम सब्जेक्टिव हो रहे हैं। हाँ तो देखिए ये बात एकदम सही है कि इन लोगों के एग्ज़ाम सब्जेक्टिव हो रहे हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि इन लोगों के मतलब ये वाले सब्जेक्टिव हो रहे हैं तो वो वाले ऑब्जेक्टिव हों फाइनल वाले, और आप लोगों के ये भी ज़रूरी नहीं है कि इन लोगों के सब्जेक्टिव हैं तो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव हों या आप लोगों के ऑब्जेक्टिव हों तो इन लोगों के सब्जेक्टिव हों। मतलब ये सब चीज़ें यूनिवर्सिटी आराम से चेंज करती रहती है और कर भी सकती है, क्योंकि अब जैसा कि आपको पता है जब से एनईपी 2020 लागू हुई है जो आपकी कानपुर यूनिवर्सिटी है ये एक डीम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आ गई है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि इनको वो सब राइट्स मिल गए हैं जो एक यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग चीज़ें मैनेज करवा सकती है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करवा सकती है। तो वैसे मैं आपको बता दूं पिछली बार भी यही हुआ था, जो कैंपस वाले स्टूडेंट हुए थे आपके फर्स्ट सेमेस्टर के, आप उनसे चाहे बात करके देखिएगा, मेरा कॉन्टैक्ट है थोड़ा सा उन बच्चों से, तो उनके जो एग्ज़ाम हुए थे कैंपस वाले वो आपके थ्योरेटिकल हुए थे, और आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हुए थे सेमेस्टर के वो मल्टीपल हुए थे। तो ये मत सोचिएगा कि भाई इन लोगों के मैम 10 से 1 है तो हम लोगों के भी थ्योरेटिकल होंगे। खैर इस विषय में तो सीएसजीएमयू ने ऑलरेडी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ महीनों पहले या कुछ दिनों पहले हम कह सकते हैं जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि सम सेमेस्टर की परीक्षाएँ आपके बहुविकल्पीय माध्यम से होनी है। तो सम सेमेस्टर तो आप लोगों के बीएड का भी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस आप लोगों के हैं कि एमसीक्यूज ही होगा। बाकी इन्होंने जो टाइमिंग दी है या इनके जो एग्ज़ाम हैं वो आपके ये कैंपस के हैं। तो देखो जिन बच्चों को ये बात पता थी वो लोग कृपया इस वीडियो को स्किप कर दें बजाय नेगेटिव कमेंट्स करने के। मेरे पास बहुत से ऐसे बच्चों के भी व्यक्तिगत संदेश आते हैं कि मैम, तो उनका ये कन्फ्यूज़न दूर करना मुझे वीडियो के माध्यम से ज़रूरी रहता है, क्योंकि मेरे पास इतने सारे बच्चे हैं, अगर मैं उनका ये डाउट नहीं क्लियर करूँगी तो भी दिक्कत है। कुछ को पता है कुछ को नहीं पता है, तो जिनको पता होता है वो ऐसी नेगेटिव कमेंट्स लिखते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा कहते नहीं कि आप सबको लेकर के चलिए, एज अ टीचर मुझे हर एक बच्चे को लेकर के चलना है, चाहे वो जितना पुअर हो या चाहे वो जितना ब्रिलियंट हो। तो डेट्स है मुझे ये सारे वीडियोस बनाने पड़ते हैं बजाय आप नेगेटिव कमेंट करने के वीडियो स्किप कर दिया करिए। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं आपका पीजी पॉइंट एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ईवीएस की आपको 600 प्लस एमसीक्यूज की एक पीडीएफ मिल जाएगी विद 1 लीनियर नोट्स, एक आपको शिक्षा के तकनीकी परिपेक्ष की पीडीएफ मिल जाएंगी जिसके अंतर्गत आपको 3 मॉड्यूल्स मिलेंगे, उसमें आपको 600 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे, 1 लीनियर फैक्ट्स मिलेंगे, कुछ छोटे से नोट्स मिलेंगे। तो ये आप एक बार जा करके पीजी पॉइंट ऐप को इंस्टॉल करके देख लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है पीडीएफ लेने में, इवन कोई आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो आप मुझे व्यक्तिगत संदेश टेलीग्राम पे भेज सकते हैं या आप मुझे पीजी पॉइंट इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो pgpoint100@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं, इन केस मान लो पेमेंट होकर पीडीएफ नहीं खुली या कोई दिक्कत, कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं या हमें आप पीजी पॉइंट इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी मैसेज कर सकते हैं। बस एक बात याद रखिएगा, जब भी ऐप बनाइएगा तो वहाँ पर आपको रेफरल कोड में पीजी पॉइंट डालना है, और ऊपर आपको यहाँ पर ऐसे कॉर्नर पे 3 लाइन्स दिखेंगे, यहाँ से आपको फॉलो कर लेना है, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, बाकी तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ में। अभी घर में थोड़ी सी फंक्शंस वगैरह हैं तो इस वजह से हम आपकी क्लासेस वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, बाकी हम ये क्लासेस आपके मैराथन के रूप में एमसीक्यूज की फटाफट से करवा देंगे, बस आपको थोड़ा सा वेट करना है 1 हफ्ते का, और फिर उसके बाद में आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।